हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया, और इतने सारे सवालात, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी रिक्वेस्ट आपने उस वीडियोस के ऊपर की। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों में से और उन्हीं कुछ रिक्वेस्ट में से चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। आज की वीडियो मेरी रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें सबसे टॉप नंबर पे ये था कि न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई कैसे की जाती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पोर्टल को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में एक रेडिट वर्क वीजा की वीडियो जो हमने बनाई उसमें आपको उस डिटेल सारा बताया, बट फिर भी कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो चाहते हैं कि हमें कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बताया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जॉब सर्च कैसे करते हैं और जॉब सर्च करने के बाद उसे अप्लाई कैसे करते हैं। उससे पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वेरी गुड, अगर नहीं अच्छी लगती तो किसी दोस्त को शेयर कर दें। हो सकता है वो 2024 में कहीं मूव होना चाह रहा हो तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो कारामद हो, उसको अच्छा लगे, उसके फायदेमंद हो सके। सेकेंडली, सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज्यादा पूछा गया वो ये है कि जॉब जो है वो मुझे मिल जाए या वीजा मिल जाए। इट्स वेरी सिंपल गाइज, वेरी सिंपल। और जॉब्स हैं और वीजा भी मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, लोग जा भी रहे हैं, लोग चले भी गए हैं और कुछ लोग ऑलरेडी जॉब स्टार्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। मुझे जिन लोगों ने कांटेक्ट किया उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीजा आ चुका है, दे हैव मूव्ड ऑन, वो न्यूजीलैंड जा चुके हैं, वहां रह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वीजा प्रोसेस हो गया है बट होल्ड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उनको स्पॉन्सरशिप से ऑफर लेटर मिल चुका है, अब वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट्स मीन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, थोड़ा सा डिले है, दैट्स इट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है जो आपने याद रखनी है कि जब आप किसी बैरोने मुल्क अप्लाई कर रहे हो, इंटरनेशनल कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, आपका कंपटीशन आपसे नहीं है। जैसे लाइक लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ इंडिया या पाकिस्तान की, अगर आप दिल्ली से हैं या बेंगलोर से हैं या लाहौर से हैं या फिर कराची से हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो आपके एरिया के लोगों से है, लाइक दिल्ली के लोगों से है या फिर लाहौर के लोगों से है। लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या न्यूजीलैंड के वेलिंगटन सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फिनलैंड के हेलसिंकी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है और आपको ये चीज समझना है कि जब आपने यू वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट, डिफरेंट होने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, वो है आपके यूनिक स्किल्स। और जब जैसे जैसे आप स्किल्स अपने इन्हांस करते रहेंगे, टेक्निकल स्किल्स इन्हांस करते रहेंगे, आपके ब्राइट चांसेस हैं, राइट। यहां पे इस वीडियो में मैं आपको जॉब्स दिखाऊंगा, और सारी तो नहीं लेकिन चंद एक जॉब्स को हम ओपन करेंगे, उसको रीड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एग्जिस्टिंग सीवी के साथ, एंड देन उसको अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह पोर्टल को प्रॉपरली यूज किया जाता है। क्योंकि मोस्टली मुझे जो क्वेश्चन आया वो ये आया है कि भाई हमें जो है वो पोर्टल की समझ नहीं आ रही, वी आर अनएबल टू फाइंड द जॉब्स, या हमें जॉब सर्च नहीं हो पा रही है, या हमें ये नहीं मालूम हो पा रहा है कि हम किस तरह जॉब के लिए अप्लाई करें। ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है और आपको इस चीज को बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है कि जब आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी सीवी को भी मॉडिफाई करना है। आप वही सीवी नहीं चला सकते जो आप इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल में या दुबई में चला रहे हो, आपने उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना है। और जब आप उसको चेंज कर रहे हो तो प्लीज 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 अपना एटीएस स्कोर देखने के बाद, उसको मेंटेन करने के बाद जॉब अप्लाई करें। क्योंकि बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं एक रिक्रूटर हूं, मैंने एक जॉब एड डाला है और मुझे उस जॉब के ऊपर 1000 सीवी आ गया। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या 1000 सीवी मैं रीड करूंगा, पढ़ूंगा? बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मैं क्या करूंगा, जो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये सीवी मेरे काम का है उसको उठाऊंगा और सीधा एटीएस में डाल दूंगा, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में डाल दूंगा। मैंने जो जॉब अप्लाई, जो मैंने जो जॉब पोस्ट डाला हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन मैच कर दूंगा। तो जैसे ही कोई भी बंदा उससे रिलेटिव होएगा, लाइक 80-90% मिलेगा, उसकी सीवी मैं निकालूंगा, बाकी सारों को ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा। और ये आपके साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये दुनिया में हर बंदे के साथ होता है कि उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है जिसको कहते हैं जी अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल सका। उसकी रीजन यही है कि जब हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है कि मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं, या मैं एक प्रोडक्शन एनालिसिस का बंदा हूं, या मैं बिजनेस एनालिस्ट हूं, और मैं जब किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहा हूं तो मैं ये नहीं देख रहा कि मैं जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूं
जिस कंट्री में अप्लाई कर रहा हूं उस कंट्री में उस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल क्या है। सो, इस पे आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, वॉच द कंप्लीट वीडियो, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने लिखना है करियर एन जेड। जैसे ही आप करियर एन जेड लिखेंगे आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन करना है और सेकंड टाइम में आप यहाँ पे ओपन कर लें seek.co.newzealand, दोनों को छोड़ दें। इस पेज पे आप आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप अपनी सीवी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कौन सी प्रोफाइल आपके लिए मैच है, कौन से स्किल्स आप एनहांस कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे जॉब हंटिंग में आना है। जॉब हंटिंग में आके आपने फाइंड वर्क पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे आपके लेफ्ट साइड पे सारी ये डिटेल्स आ रही है कि भाई कैसे ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। सो यहाँ पे सिंपली जो है हाउ टू सर्च द जॉब, सेकंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे जो है वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सो जब आप यहाँ पे आएंगे आपने क्लिक करना है हाउ टू सर्च अ जॉब। हाउ टू सर्च अ जॉब पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बस आ रहा है कि स्किल्स के साथ आप ढूंढ सकते हैं आपको कौन सा जॉब पे वो सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जी फाइंड द जॉब वैकेंसीज। तो जब मैं यहाँ पे जॉब वैकेंसीज में आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब वैकेंसी रिक्रूटमेंट वेबसाइट लिस्ट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे नीचे सारी डिटेल आ गई है। नॉर्थलैंड में कितनी जॉब्स हैं, ऑकलैंड में कितनी जॉब्स हैं, वेलिंगटन में कितनी जॉब्स हैं, सेंट्रल नॉर्थ में कितनी जॉब्स हैं, वो सारी उन्होंने मुझे जो है वो डिटेल दे दी। प्लस लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वेलिंगटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नीचे उन्होंने 5 और मजीद वेबसाइट दे दी हैं, जिसमें पहले नंबर पे है GBL पर्सोनल, के स्किल्स रिक्रूटमेंट, मैक्लारन एसोसिएट्स, पीपल एंड को एंड वर्क लाइफ। तो मैं इनमें से GBL पर्सोनल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल गई सॉल्ट के नाम से। अब इस ये जो वेबसाइट आप इस पर गौर से देखें, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, सीनियर प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन। अगर आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री है और इसके सर्टिफिकेट हैं तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। क्राइस्ट चर्च में जॉब है और सैलरी है $130,000 टू $134,000 पर एनम, होता है भाई। सो लेट्स से कि हम इसी को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको व्यू किया। जब मैंने यहाँ पे इसको व्यू कर लिया तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट डिटेल्स आ चुकी हैं। आर यू अ प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, ये सारा आप इसको रीड आउट करें। वो कह रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, 5 वीक की आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है, 4 हफ्ते आप सिक लीव ले सकते हैं, ब्ला ब्ला, ये तो पर्क्स की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आ गया कि आप यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, ICT स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड ड्राफ्टिंग ऑल एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स, हाउ वी कैन हेल्प इन दिस, व्हाट वी डू, एटीट्यूड टू प्रोक्योरमेंट स्पेस वाइल्स इंश्योरिंग प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड एंड अडहेयर टू। फिर यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि रिक्वायर क्या है, मैनेजिंग अ वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स लाइक क्लाइंट्स, लीगल, सप्लायर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज टू सपोर्ट विद फैसिलिटिंग प्रोक्योरमेंट एग्जेम्पशंस, मार्केटिंग एक्सरसाइज, पर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ कस्टमर एंड वर्किंग थ्रू प्लान्स विद दिस टीम। तो ये आ गई उनकी रिक्वायरमेंट। अब वो पूछ रहे हैं कि हु एम आई, के प्रूवन प्रोक्योरमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइडली विद इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल एंड ऑल दिस, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए टू एबिलिटी डेवलप। अब वो कह रहा है कि जी इसको अप्लाई कैसे करना है, तो उसने नीचे सारी डिटेल बताई है। यहाँ आ गया जॉब इन्फॉर्मेशन, सो हम यहाँ पे इसको करते हैं अप्लाई। तो जब हमने इसको अप्लाई पे क्लिक किया है तो ये हमारे लिए कुछ ओपन कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जी आपने यहाँ पे कुछ डिटेल्स अपनी अपलोड करनी है। लेट्स पेस जी, हम यहाँ पे फुल नाम लिख देते हैं जी, स्टीवन जॉन, ठीक है, और एक CV जो है वो हम चलो अपनी ही डाल देते हैं यार, एक अपनी जाली CV जो है ना वो मैंने एक CV बनाई हुई अपलोड कर दी और यहाँ रखा और देन आई विल अप्लाई। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, आप इसमें मैं ये सारा आपको नहीं करके बता सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, आप देखें जो आपको जॉब उसके अकॉर्डिंगली आती है। अच्छा चलें, एक और चीज़, ये तो मैंने एक जॉब के हवाले से बताया, अब फर्दर ये है कि आप इसमें जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑल जॉब में नीचे आपकी ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखें। लेट से आप सेल्स वाले बंदे हैं, सेल्स को यहाँ पे सर्च करें तो देखते हैं जी क्या, हाँ जी आ रहा है सेल्स कंसल्टेंट, इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हेड ऑफ सेल्स कॉन्टेक्ट सेंटर अवेलेबल है। मैं एक यहाँ पे एक और चीज़ लिख के देखता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पॉन्सर, फिर चेक करता हूँ जी क्या आता है। यस, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऑटोमेशन टेक्निकल, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड विजन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरह भी जॉब मिल सकती है, एक ऑप्शन हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सीक। सीक आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में चलता है, तो यहाँ पे जो सीक है
सी के ऊपर ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ, आप मेरा यहाँ पे नाम देख रही हैं, मेरी प्रोफाइल है जो मैंने ऑलरेडी अपडेट की हुई है। सो आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है जिस तरह हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स अपनी लिखनी है कि आप कौन हैं, क्या करते रहे, क्या क्या आपकी स्किल्स हैं, कौन कौन सी आपकी लैंग्वेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया हुआ है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि राइट टू वर्क, तो आपने लिखना है रिक्वायर स्पॉन्सरशिप और अ करंट जॉब ऑफर टू वर्क फॉर अ न्यू एम्प्लॉयर। ठीक है, सो ये आपने जानना जरूरी है। यहाँ पे मेरा जो है वो प्रोफाइल वेल डन फुल स्ट्रेंथ में है और मैं यहाँ पे सैलरी एक्सपेक्टेशन 50,000 एनुअल लिखा हुआ है वैसे ही, और आप जो मर्जी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे वापस आते हैं जॉब सर्च के ऊपर। जॉब सर्च पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्पॉन्सरशिप जॉब, सर्च करते हैं जी। जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास आ रहा है जी सीनियर प्रोडक्ट ओनर, सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र, सीनियर फाइनेंशियल अकाउंटेंट, लो जी इसको खोल लेते हैं अकाउंटेंट वाले भाई को, और प्रोग्राम मैनेजर, फिर ये उनकी अपनी कोई लैंग्वेज आ गई, नो प्रॉब्लम, मार्केटिंग मैनेजर जॉनसन एंड जॉनसन में आ रहा है। ठीक है, फिर ये भी उनकी अपनी लैंग्वेज है, प्रोडक्ट ओनर अर्थवी कमीशन में आ रहा है। सो लेट्स से हम कुछ और लिखते हैं, हम यहाँ जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं और क्लासिफिकेशन में हम जाकर यहाँ पे सर्च करते हैं जी एनर्जी। ठीक है, और उसमें फिर उसने पूछा है कि आप क्या कर सकते हो, तो मैंने बस ऐसे ही उसको छोड़ के सर्च पे लगा दिया। तो जब मैंने उसको सर्च किया तो मेरे पास ये सारी जॉब्स हैं वो आ गई हैं। माइन ऑपरेटर, ठीक है, सेलेक्ट सेक्टर लीड, अंडरग्राउंड ट्रक ऑपरेटर, माइन ऑपरेटर, ड्रिल असिस्टेंट, फिर यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप अगर इस किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं यहाँ पर एक जॉब और सर्च करता हूँ, वो है जी फ्रूट। ठीक है, फ्रूट पिकिंग, सी ऑलरेडी किसी ने सर्च किया हुआ, मैंने नहीं किया हुआ भाई वो ऑलरेडी आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है स्टोर पर्सन, हार्वेस्ट ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर, वेजिटेबल हार्वेस्टिंग सर्व स्टाफ, जिसकी सैलरी भी कितनी है 27,800। चलो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने दो जॉब सिलेक्ट कर ली हैं, एक वेजिटेबल हार्वेस्टिंग स्टाफ की, ठीक है, वो मानावाटू में है और फार्मिंग और कंजर्वेशन के हवाले से, और एक मैंने सीनियर जो है वो फाइनेंशियल वाले की अप्लाई कर ली है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आती है भाई वो क्या है, मैं यहाँ पे बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के कहूँगा कि प्लीज़ अपनी CV को इसके मुताबिक मॉडिफाई करना। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं वीडियो में दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर आया हूँ और वी आर लुकिंग फॉर दिस वन। तो यहाँ पे उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी, तो मैं इस जॉब डिस्क्रिप्शन को उठाऊंगा। ठीक है, और आपके पास क्या स्किल्स हैं, इवन कि वो भी मैंने उठा ली, तो मैंने उसको कर लिया कॉपी। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी करना है, और मैंने एक्चुअली यहाँ पे लॉग इन कर लिया है ऑलरेडी जॉब स्कैन। जॉब स्कैन पे आपने आना है, अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ करें तो आपको चार्ज जो है वो अलाउ है, आप कर सकते हो। अभी आप देखो मैंने क्या किया, चलो मैं आपके लिए इसको दोबारा करता हूँ, अपलोड एंड रीस्कैन। ठीक है, ये है मेरी प्रोफाइल, ओके, ये मैंने अपनी रिज्यूमे अपलोड की, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे अपनी रिज्यूमे अपलोड कर दी। ठीक है, और ये है वो आप देख रहे हैं जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल सेलेक्ट कंट्रोल भी कर दूँ ताकि आपको लगे एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं जब इसको स्कैन करूँगा, अब चेक करना क्या रिस्पॉन्स आता है। जब मैंने इसको स्कैन किया तो पहले वो क्लियर कर रहा है सारा, अब वो चेक कर रहा है अपनी जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है, CV पे वही नाम होना चाहिए जिस जॉब की डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकेंडली आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपका होम एड्रेस मैंशन नहीं है, फिर वो वही बात, टाइटल मैच नहीं कर रहा कि जॉब आप जो अप्लाई कर रहे हो वो दोनों सेम होने चाहिए, एजुकेशन ओके है। अब यहाँ पे कह रहा है रिमूव स्पेसेस और फॉलोइंग करेक्टर्स फ्रॉम द फाइल लाइक कोमा या अपॉस्ट्रोफी ताकि आपका ATS स्कोर जो है वो अच्छा आ सके। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि जी फाइनेंस अकाउंटिंग और फिक्स्ड एसेट ये उनकी रिक्वायरमेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये टोटल 6 बार बोले गए हैं और आपकी CV में नहीं है, तो यहाँ पे आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो अकाउंटिंग कहाँ है ये आपको बता रहा है, अकाउंटिंग अकाउंट। अब मेरी CV में अकाउंट्स है तो मैंने अकाउंट्स लिखा हुआ है, अब फाइनेंस है, मेरा फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट उनके पास है। देन फिक्स्ड एसेट, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप CV को स्कैन कर रहे हो, स्कैन करने के बाद जो इश्यूज वो आपको बताता है वो आपने अपनी CV में अपडेट करना है और फिर दोबारा इसका रीचेक करना है कि कितना स्कोर आया है, देन अप्लाई करना है। ये तो आ गया था हार्ड स्किल्स, अब आ जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। सॉफ्ट स्किल में उसने मेंशन किया है जी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, अकाउंटेबिलिटी,
और ये हमारी पूरी सीवी में है ही नहीं क्योंकि हम वो वाले बंदे ही नहीं हैं। तो लेट्स सी अकाउंटेबिलिटी। अब उसने बता दिया कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है और मेरी रिज्यूमे में एक बार है। आप कोलैबोरेटिव की बात करें तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव है मेरे पास नहीं है। सो आप फाइनेंस वाले बंदे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो जहाँ पे आप अकॉर्डिंगली इस वर्ड को फिक्स कर सकते हैं वो आपने एडअप करना है। इसी तरह इनोवेशन, ठीक है। सो ये आ गए तीन पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अदर कीवर्ड्स। अदर कीवर्ड्स हैं जी फाइनेंशियल एंड मैनेज। तो अब फाइनेंशियल जॉब अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी सीवी में को 5, 6, 7, 10 बार तो आना चाहिए। जैसे उसकी डिस्क्रिप्शन में 9 बार आ चुका है, ठीक है। हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, अगर फाइनेंशियल को देखें तो उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि भाई हमें सीनियर फाइनेंशियल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल फंक्शन चाहिए, नंबर ऑफ फंक्शनल प्रोसेस चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्स चाहिए, फाइनेंशियल बिजनेस चाहिए, राइट। अब मैनेज की बात करते हैं। मैनेज में वो कह रहा है कि जी आपने फिक्स मैनेज करना है, फिक्स एसेट मैनेज करने हैं, ऑडिट प्रोसेस मैनेज करना है, सपोर्ट एंड डायरेक्ट। सो ये सब चीजें जब आप अपनी सीवी में अपडेट करोगे, चेंज करोगे, तो देन आपकी सीवी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा स्कोर पे चली जाएगी। मैं तो यूजली ये कैनवा पे करता हूँ। आपके पास अब क्या है आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देख सकते हो। जब आपका ये रेडी हो जाए, अप्लाई करने से पहले आपकी सीवी का स्कोर 82 से ज्यादा हो, 90 हो, एक्चुअली 75 एक्सेप्टेबल होता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 80 या प्लस होना चाहिए, देन आप इस जॉब पर आकर सिंपली क्विक अप्लाई करेंगे। जब आप इस पे क्विक अप्लाई करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपके पास जो है विंडो आ जाएगी, लाइक आपका नाम आ जाएगा, देन रिज्यूमे, आपके पास न्यू रिज्यूमे है तो आपने हर जॉब के लिए नई रिज्यूमे बनानी है, एंड देन कवर लेटर। ओहो, कवर लेटर तो मैंने आपको पहले बताया था शायद, नहीं, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ। आप जिमनी से पूछ सकते हैं, अगर जिमनी से नहीं पूछना चाहते तो चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट कवर लेटर फॉर दिस पोस्ट। अब वो पोस्ट क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। ऑलराइट, राइट अ कवर लेटर फॉर सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जॉब है किस कंपनी में। इस कंपनी का नाम है, ओ माय गॉड, तव माता अरुवाई, आई डोंट नो दिस नेम, सो आई जस्ट सिंपली कॉपी एट तव माता। ऑलराइट, फिर आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जो कॉपी किया था, ठीक है, जो आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन थी, हम यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ, वरना मुझे फिर पीछे जाना पड़ेगा। सो सिंपली इधर से कॉपी किया, और ये जिमनाई है, यहाँ पे पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया, तो वो मेरे लिए एक लेटर लिख रहा है। वो क्या है, डियर तमातमाई हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एंड पोजिशन। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये लेटर यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है, ठीक है, आपका कवर लेटर भी बन गया। वापस डॉक्यूमेंट पे आना है और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट करते हैं। जब आप इसको पेस्ट करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना नाम, और अगर कोई ब्रैकेट या कोई ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू पुट योर प्रीवियस, सो वो आपने इसमें सिंपली ऐड कर देना है। देन आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। जब आपने इसको नेक्स्ट करना है तो आपने विंडो आपके पास आएगी, क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो सिंपली आपने सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से कि आई रिक्वायर अ स्पॉन्सरशिप और करंट जॉब ऑफ वर्क फॉर न्यू एम्प्लॉयर। सो मैंने ये सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, वो मेरे से एजुकेशन कंफर्म कर रहा है, वो मैंने सारा उसको एडिट किया एंड कंटिन्यू, एंड द लास्ट इज दिस कि आपकी सीवी है, आप इसको यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सो आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। वेजिटेबल स्टाफ के वाले से भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, देन आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल स्टाफ में सब मेंशन है कि जी रिक्वायरमेंट क्या है, एम्प्लॉय क्वेश्चन, सॉरी यहाँ से चेक करते हैं। वेजिटेबल हार्वेस्टिंग स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर कैजुअल रोल्स विद द पॉसिबिलिटी फुल टाइम वर्क इन फ्यूचर, और ग्रेट एडवांटेज है, फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कल्चर एनवायरमेंट है, वर्किंग ब्यूटीफुल ऑर्डर कंडीशन है, पोटेंशियल गुड अर्निंग है, सीजनल ओवर टाइम है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मस्ट होल्ड करंट न्यूजीलैंड डाइवर्स लाइसेंस, हैव राइट्स टू वर्क विद इन न्यूजीलैंड, एंड यू ओन रिलायबल ट्रांसपोर्ट टू प्रेफर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप सिंपली अप्लाई करो तो यहाँ आ सकते हो। सो इसके लिए भी आपने जो प्रोसेस मैंने अभी पीछे बताया, वैसे ही आपने यहाँ पर भी एडअप करना है। अब आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि भाई उसके लिए तो सीवी या कवर लेटर की जरूरत नहीं है। है भाई, ये देखें, ये मांग रहे हैं तो इसकी मतलब है कि जरूरत है। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर कोई प्रोसेस या कोई इन्फॉर्मेशन स्टिल मिसिंग है, सो यू कैन इंस्टाग्राम मी ऑन दिस लिंक। जॉब्स हैं भाइयों, जॉब्स हैं, जॉब मिल रही हैं लोगों को, और ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और अप्लाई करते रहो, ठीक है। और प्लीज़ एक ही सीवी को हर जॉब के लिए यूज़ नहीं करो। जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आई नो इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, 2 घंटे 3 घंटे ईजिली ले लेता है, बट इट्स गुड फॉर यू। लाइक आपके नंबर ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू क्रैक करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मुझे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इंटरव्यू क्रैक करना। वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यहाँ पे मैटर करते हैं कि वर्ड्स आपके स्किल्स के साथ आपके वर्ड्स क्या हैं। लाइक आई विल टेल यू, नवंबर में मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, दैट इज़ द सेल्स कंसल्टेंट जॉब इन वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन लंदन, यू कैन से। और उस कंपनी की नेटवर्थ थी अराउंड 180 मिलियन पाउंड्स। अब उन्होंने मेरे से, यकीन करें, सेल्स के हवाले से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड आई वॉज लिटरली, मैंने मतलब जॉब पे जाने से पहले इंटरव्यू के प्रेप की प्रॉपर, लिंक्डइन से की, इंडीड से की, रीड से की, और जब मैंने वहाँ पे किया तो उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि अगर आपके पास सुपर पावर हो तो आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक, ओके, अगर मेरे पास सुपर पावर होगी तो मैं सबसे पहले करप्शन एलिमिनेट करूँगा। एंड देन जो उनके हेड ऑफ़ द सेल्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके कूल फाइन, सो द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इज नो मोर, वी हैव अ टास्क फॉर यू। सो मतलब उनके पास एक नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, बट उनको मेरा आंसर कुछ इस तरह का लगा कि उन्होंने वो क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे और सिंपली मेरे सामने एक रिडल रख दिया। अब वो रिडल क्या, मैं रिडल भी बताता हूँ। वो रिडल में ये है, सिम्पसन जो कार्टून है उनके 5 कैरेक्टर्स थे, एक पुलिस वाला था, एक चोर था, 2 जो है वो मेल थे, 2 फीमेल थे, फादर एंड मदर थे, और बोट थी, दरमियान में नदी, नदी की उस तरफ लेके जाना था। अब उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास 5 मिनट है, आपने इन सारों को नदी के उस पार लेके जाना है। अब उसमें आपने करना क्या है कि कंडीशंस लगा दी, क्लॉजेस लगा दिया। पहला क्लॉज ये है कि एक कश्ती में एक टाइम पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, और कश्ती जाते हुए 2 बंदे हो सकते हैं, आते हुए भी 2 बंदे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कंडीशन ये है कि पुलिस वाला चोर के साथ जा सकता है, पुलिस वाला फादर के साथ जा सकता है, मदर के साथ जा सकता है, बच्चों के साथ नहीं जा सकता। फादर जो है वो सिर्फ मेल सन्स के साथ जा सकता है, फीमेल के साथ नहीं जा सकता। अब जो मदर है वो फीमेल के साथ ही जा सकती है, मेल के साथ नहीं जा सकती, और चोर फैमिली वालों के साथ नहीं जा सकता। सो ये उन्होंने कुछ क्लॉजेस दे दिए और उन्होंने मुझे कहा कि इसको सॉल्व करो, यू हैव 5 मिनट्स, यू नीड टू टेक एवरीबडी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। आई सेड ओके जस्ट लेट मी। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे कैरेक्टर्स को ऐसे नीचे ज़मीन पर रखा, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो सकता है। लाइक आई पिक अप अ वन एंड आई पुट इट देयर, एंड ही सेड व्हाई यू पिक दैट। आई सेड बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट step I need to take it, and then he said okay let's continue. Then I took second and the third and the fourth. When I reached to fourth step, he said okay stop. I said what, I did it wrong? He said no, you did it in less than 200 seconds. I said all right, that's great. That's mean ke aapne wo unki situations ko samajhna hai. उसमें क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट इंटरव्यू भी आ गया, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, सेकंड इंटरव्यू भी आ गया, एंड देन ही ऑफर्ड मी अ गुड जॉब ऑफर। और फाइनल जब मेरा जनरल, जो उनके जनरल मैनेजर थे, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन क्या पूछा, पहला सवाल कुछ नहीं, इतनी बड़ी कुछ बुक ला कर रखी हुई थी उन्होंने अपने सामने, मालूम नहीं, बट बाद में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। दैट्स इंटरव्यू गोज लाइक 45 मिनट्स, बट उन्होंने मेरे से पहला सवाल पूछा कि तुमने वो रिडल कैसे सॉल्व किया। सो आई सेड कि वो एक बड़ी ऑब्वियस थिंग थी कि वो चीज़ जो एक ही बंदा कर सकता है वो है पुलिस और चोर, तो सबसे पहले उनको जान छुड़ाओ ना, फिर बाकी के बारे में सोचो। तो आई सेड ओके, सो आई सेड व्हेन आई पिक द करेक्ट थिंग, लाइक पजल में से जो चीज़ मेन होती है, अगर आपने वो निकाल ली तो पजल आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। सो इंटरव्यूज क्रैक करना भी ज़रूरी है। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भेजो। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, आप मुझे DM कर सकते हो। एंड टिल देन दैट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।